अगर हम इनिशियल स्टेज पे अपने आईयूज़ के साथ कोऑर्डिनेशन पे रहेंगे तो हमारे केसेस काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं, और इस प्रोसेस से एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, वो डेवलप होता है, और उस प्रोसेस को कंटिन्यू करके एक हम चैन ऑफ कस्टडी जो एक हमें क्राइम को कोप अप करने के लिए चाहिए होता है, ये इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ कभी पहले मैंने ना इम्प्लीमेंट की थी, ना मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन इस ट्रेनिंग से काफ़ी हद तक ये चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई कि अगर मैं फर्स्ट इंस्टांस से ही अपने आईओ के साथ स्टेप बाय स्टेप चलूँगी तो एट द वेरी एंड मे बी मैं बहुत सारे कन्विक्शंस कर पाऊँ जो कि क्राइम को कोप अप करने के लिए या हमारे सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि यहाँ पर जो हमारे जुडिशरी में कन्विक्शन रेट्स बहुत कम हैं। तो इस चीज़ में काफ़ी हद तक हेल्प आउट हो सकती है, और जितने भी हमारे लेकुनाज होंगे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कवर हो सकती हैं। हमें यहाँ पे ये सीखने को मिला कि हम अपने इवन आईओएस के साथ क्राइम सीन्स पे भी जा सकते हैं। तो बीइंग ए फीमेल, अगर मैं एक रूरल एरिया में, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे फीमेल्स का निकलना बहुत टफ होता है, इस सिचुएशन में अगर मैं एक क्राइम सीन पे जाऊँगी, वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस देखूँगी, तो उनको बहुत सारे एडवाइजेस दे सकूँगी कि हम इस क्राइम सीन को कैसे कवर कर सकते हैं। एट द एंड मैं जो है ना INL और UNODC का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया, इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत कुछ सीखा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे जो है ना ट्रेनिंग आगे भी करते रहेंगे, और ऐसे मेरी तरह बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे कुलीग्स हैं जिनको वो मौका नहीं मिला, उनको मौका मिलेगा, उनको आगे आने का मौका मिलेगा, उनको इस चीज़ का इंफॉर्मेशन होगा कि एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो होता है एक सिस्टम में वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और एक चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन रखना वो कितना ज़रूरी होता है एक एंड गोल तक पहुँचने के लिए। थैंक यू।